हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएन ब्लॉग्स। तो क्या है कि अभी 2-3 दिन पहले एक इंसिडेंट हो गया। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जो अब नहीं रहा, क्योंकि नशा कर कर के ना उसका क्या बताऊँ, उसको कैंसर हो गया था। काफ़ी दिनों से मेडिकल पे था और कीमोथेरेपी चल रहा था उसका। मुझे भी इतना पता नहीं था, क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मुझे पता ही नहीं था कि वो हॉस्पिटलाइज है। अभी 2-3 दिन पहले मुझे पता चला कि काफ़ी सीरियस है। तो फिर मैं देखने गया था, तो इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास कि उसको जाके ठीक से मिल पाऊँ, कुछ बात कर सकूँ, ऐसा कुछ टाइम भी नहीं था मेरे पास। दोस्ती तो था लेकिन इतना गहरा भी नहीं था, पर टाइम भी नहीं मिलता था कि उसको टाइम दे पाऊँ। मुझे पता भी ठीक से नहीं था कि कितना बीमारी है, क्या है, कितना परेशान है। उसने कभी किसी को खुल के कुछ बताया नहीं था अपने दोस्तों को। बहुत सारे दोस्त है उसके, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं था, तो हम लोग को इतना पता भी नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि काफ़ी सीरियस है और मेडिकलाइज है। खैर, उसके साथ शायद उसके किस्मत में यही था, चला गया। पर ज़रूरी बात यह है कि जब था तो हम लोगों के सामने जब वो नशा करता था ना, तो हमको बड़ा बुरा लगता था। हम हमेशा उसको डांटते थे, बोलते थे, समझाते थे, लेकिन वो मानता ही नहीं था। बोलो तो ज़्यादा वो गुस्सा हो जाता था और बोलता था कि यार मेरा पैसा मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, तुम लोग को क्या परेशानी है। तो हम भी यार क्या बोलते, उसको समझता ही नहीं था। ठीक है यार, तू अपना पैसे से खाता है, मेरे बाप का पैसे से थोड़ी ना खाता है, लेकिन खाता क्या है वो तो देख ले यार, जहर खरीद के खा रहा है। देखो ना, अभी देखो, अगर आपके पास पैसा है ठीक है, अपने पैसों से खरीद के खाते हो, लेकिन कभी सोचा है कि क्या खाते हो? दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको खाने से क्या है कि आपके शरीर को ताकत मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, आपके खून बनेगा, मतलब लंबी ज़िंदगी मिलेगी आपको बदले में। तो वो सब खाओ ना, पैसा ही तो देते हो, अपने कमाई का पैसा देते हो, कहीं से फुकट में तो नहीं लाते हो। पैसे कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, तो वही पैसे देते हो तो कुछ अच्छा खाओ। लेकिन नहीं, जानबूझ के वही चीज़ खाते हैं जो मौत को न्योते देते हैं। तो क्या बोले ऐसे लोगों को, समझते ही नहीं है। तो मेरा बस यही कहना है आपको भाई, देखो नशा करो ठीक है, नशे से क्या मिलता है कि थोड़ी देर के लिए बड़ा खुशी मिलता है। शायद मैंने तो कभी इतना किया नहीं कोई नशा, लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि जितना सुनता हूँ उतना कहता हूँ कि शायद थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता होगा, खुश होते होंगे आप लोग, लेकिन उसके बाद क्या होता है आपके साथ? देखो, आप कमाते तो हो ठीक है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन जो नशा करते हैं ना, और नशा के लिए उतना ही खर्चा करते हैं जो ज़्यादा कमाने वाला जितना करता है, कम कमाने वाला उतना ही करता है। घर पे शायद सब्जी के लिए पैसा ना हो, लेकिन नशा के लिए पैसा होना चाहिए। ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत लोगों को देखा है कि घर पे राशन नहीं होता है खाने को, बच्चों को देने को, लेकिन नशा ज़रूर करते हैं। कहते हैं कि भाई मैं इसके बिना तो जी नहीं सकता। यार कैसे आदमी हो, नशा के बिना कोई जी नहीं सकता यार। खाना नहीं खा सकते हो, नहीं खाओगे, या फिर पानी नहीं पियोगे तो शायद मर जाओगे। नशे के बिना कोई मर सकता है क्या? अजीब बात है, लेकिन लोग ऐसे ही बोलते हैं। खैर, क्या कर सकते हैं, उनका मर्जी। और भाई मेरे लिए तो मेरा परिवार ही मेरा नशा है। अब देखो ना, दिन भर मेहनत कर कर के आओ, और जब आपके बच्चे दौड़ के आ जाते हैं, आपके गले लग जाते हैं, आपके गोद में बैठ जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना, वो भी तो एक नशा है। दिन भर मेहनत कर कर के आओ, और घर पर बीवी हो तो थोड़ी सी मुस्कान दे दे प्यारी सी मुँह पे उसके आ जाए, तो कैसा कितना अच्छा लगता है, वो भी तो एक नशा है। घर पे माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, जब आप दिन भर मेहनत करके घर पे आ जाते हो ना, तो वो लोग जब हंस के थोड़ा मुस्कुरा के आपसे मिल जाते हैं, थोड़े प्यार से पूछ लेते हैं कैसे हो, क्या हो, कितना अच्छा लगता है कि नहीं? ये भी एक नशा है देखा जाए तो। तो मेरे लिए तो मेरे नज़र से तो ये नशा से वो नशा की कोई कीमत नहीं है। ये नशा के सामने कोई औकात नहीं है, उसके कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। ये इसकी कोई चीज़ मायने नहीं रखता है।
भाई अगर गलती से ऐसा भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, लेकिन देखो ना हो गया तो फिर क्या करे। उसके पीछे उसका दो बच्चे हैं छोटे छोटे, 5 साल के एक 3 साल के है, उसकी बीवी है, उसको कोई काम पता नहीं है। उसकी बीवी को अगर करेगी तो किसी के घर पे जाके झाड़ू बर्तन करेगी, बाकी कोई काम पता नहीं है उसको आज तक, क्योंकि इसने कभी करने ही नहीं दिया था। इतना कमा लेता था कि घर को आराम से चला लेता था, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये कभी नहीं सोचा था। उसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, वो कभी अब कोई काम नहीं कर सकते, उसमें उनमें ठीक से खड़े होने को ताकत नहीं, तो काम क्या करेंगे। अब सोचो वो चला गया तो उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा, कैसे गुजारा होगा। कभी सोचा नहीं हुआ होगा उसने कि उसका एक छोटी सी गलती के वजह से आज उसका परिवार रास्ते पे आ गए हैं। भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, अगर हो गया तो सोचो आपके परिवार का क्या होगा। जिन बच्चों को आप पे इतना भरोसा है, आपकी बीवी को आपके आपके ऊपर इतना भरोसा है, आपके माँ बाप को आप पे इतना भरोसा है, आपके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए जब दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाएंगे, तब आपको कैसा लगेगा। आप कहीं पे भी होंगे जाके, आपको देख के क्या लगेगा सोचो। इतने भी क्या ज़रूरी है नशा, कोई पता नहीं। पता नहीं लोग क्यों खाते हैं, क्या करते हैं, क्या मिलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब भुगतते हैं तो बोलते हैं कि किस्मत में था। किस्मत में कुछ नहीं था, हम अपने किस्मत अपने हाथ हाथ में लिख देते हैं, गलत सही कर लेते हैं। मैं तो पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि पछताते वही लोग हैं जो बेवकूफ़ होते हैं। बाकी कुछ करते हो तो सोच समझ के करो, आगे क्या होगा उसका नतीजा उसके बारे में थोड़ा सोचो। अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो उसके भुगतान सिर्फ आप करोगे या फिर आपका परिवार भी करेगा, इसके बारे में भी सोचो। अब देखो ना, आप नोटिस किया होगा जिस जिन बच्चों का बाप नहीं होता है, बाप मर जाता है तो लोग उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। सोचते हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल दो, कोई बोलने वाला नहीं है, उसका बाप नहीं है कौन बोलेगा। जिस बीवी का पति मर जाता है, जिस औरत का कम उम्र में विधवा हो जाती है, तो उसके साथ लोग कैसे बिहेव करते हैं। देखा होगा आपने, माँ बाप जो बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप होते हैं उनके बहुत ज़रूरत होते हैं। बहुत लाड़ प्यार से आपको कोई माँ पैदा किया है 9 महीने कोख में रख के, कोई बाप अपना पेट काट के आपको खिला के बड़ा किया, पाल पोस के इतना काबिल बनाया कि आप बड़ा होकर कुछ करो, कुछ बनो, और बनाते भी शायद। लेकिन जब आप नशा करके कम उम्र में दुनिया छोड़ के चले जाते हो तो आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, उनके ऊपर क्या गुजरता है कभी सोचते हो आप लोग। सोचो थोड़ा, शायद कुछ बदल पाओगे कुछ। और देखो ना, कुछ लोग इसको मजाक सोचते हैं, अगर उनको बोलो कि भाई नशा छोड़ दो तो बोलते हैं अरे आज तो संडे है ना, आज का दिन फाइनल है, बस कल से मंडे है, कल छोड़ दूंगा, कल से तो हाथ ही नहीं लगाऊंगा। बच्चे की कसम, बीबी की कसम, माँ बाप की कसम, भगवान की कसम भी खा लेते हैं कि नशा छोड़ दूंगा। लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन जाता है 1-2 दिन, अरे यार होता नहीं है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, ये कोई बहाना है यार, मजाक समझते हैं वो लोग। अगर दिल से चाहो ना, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है छोड़ने को। मैंने भी नशा किया था मेरे लाइफ में, जब मैं 20-22 साल की उम्र में था, तब मेरे कुछ गलत दोस्त के साथ था, सिगरेट पीता था, दारू भी पीता था। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये सब मेरे लिए ख़तरनाक है, मेरा जान ले सकते हैं, तब मैंने छोड़ दिया। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, हाँ सच में बोलता हूँ कसम से, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई कि मैं नशा करता था पहले और आज नहीं करूँगा तो मेरा कुछ हो जाएगा, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे मुझे दिल से छोड़ना था, मैंने दिल से सोच लिया था कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, तो मैंने छोड़ दिया, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कभी दिल से कोशिश करके देखो ना, ये मजाक की चीज़ नहीं है भाई, क्योंकि जो चीज़ आप खाते हो ना उसके ऊपर बेचने वाले ने खुद लिख दिया है कि इसको खाओगे तो मरोगे, कैंसर हो सकता है, ये जहर है। सोचो देखो ना, इंसान जो होता है ना वो गलती का पुतला होता है, हमेशा गलती करता है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। लेकिन हर गलती के बाद जब वो ठोकर खाता है ना तो वो उससे सीख लेता है, सुधरता है। लेकिन अगर हम बार 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 ठोकर खाने के बाद भी अगर नहीं सुधरेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, जानवर तो नहीं कहला सकते भाई। जानवर भी समझदार होते हैं, पता है, जब देखा होगा आपने बाहर कोई छोटा मोटा आग लगता है और कोई गाय भैंस या फिर कुत्ता बिल्ली, इनके समझ कितना होता है, कुछ नहीं, हमारे हिसाब से तो ना समझ होते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो वहाँ तक जाते हैं आग के पास और कोशिश करते हैं छूने को, और जब उनको एहसास होता है कि ये चीज़ हमें नुकसान पहुँचा सकता है, मेरा जान जा सकता है, तो दोबारा वहाँ वो लोग वहाँ तक नहीं जाते, क्योंकि उनमें इतना भी समझ है कि कोई चीज़ अगर हमें नुकसान पहुँचाते हमको उससे दूर रहना चाहिए।
लेकिन हम में इतना समझ नहीं है तो हम जानवर भी नहीं कहला सकते। जब जानते हैं कि यह जहर है, हम उसको अपनी कमाई की गाड़ी कमाई से उसको ख़रीदते हैं और अपने लिए मौत को ख़रीद के इंस्टॉलमेंट भर भर के हम उसको धीरे 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 करके उसको हम अपने शरीर में घर बना लेते हैं, वो घर बना लेता है हमारे शरीर में। और एक दिन ज़बरदस्ती से, जब हम नहीं चाहते, हमको हमारे परिवार को हमारा बहुत ज़रूरत होता है, तब वो ज़बरदस्ती हमारा गला घोट देता है और हम कुछ नहीं कर पाते, एकदम बेसहारा असहाय हो जाते हैं, उसके सामने घुटने टेक देते हैं और मौत को गले लगा देते हैं। चाहे हमारा किसी को कितना भी ज़रूरत हो, किसी को उसको कोई पड़ी नहीं है, वो तो मारने के लिए ही आया था और मारेगा ही, छोड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि हमने उसको पैसा दे के ख़रीद के अपने साथ अपने घर अपने शरीर में बिठा लिया है, तो वो तो अपना काम करेगा ही, वो ईमानदार है। हम ईमानदार नहीं है, हम तो चूतिया है। जहर खाने वाला क्या होता है? चूतिया ही तो होता है ना, तो हम तो चूतिया है। चूतियाओं का क्या होता है? अकाल मौत तो होता है। लेकिन भाई, जिन जिन लोगों को, लोगों ने आपको बनाया, दुनिया में लेके आया, जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया, जिन लोगों को आपने बुला के लाया दुनिया में, उनका क्या गलती है? उनको क्यों आप परेशान करोगे, क्यों आप उनको तकलीफ़ दोगे? आपके बाद वो लोग का क्या हाल होता है, कभी सोचा है? सोच लो ना यार, थोड़ा सोच लो। फिर नशा करने को कभी भी मन नहीं करेगा। खैर, क्या बताऊँ आपको, नशा ठीक है कर लो, अगर आपके बाप का, हमारे बाप का पैसा तो नहीं जाता है। काफ़ी लोग ऐसे ही बोलते हैं, मेरा दोस्त भी बोलता था, तेरे बाप के पैसे से थोड़ी खाता हूँ मैं, अपनी कमाई से खाता हूँ, खा लो, मेरे को क्या, मैं थोड़ी ना देता हूँ तुमको, खा लो। बाकी अंजाम जो होना है वो तो भुगतना है, भुगतोगे। खाली अफसोस इतनी बात है कि इतनी सी बात की है कि जो परिवार आपके साथ है, आपको हर कदम पे आपका साथ देता है, आप पे भरोसा करता है, आप पे विश्वास करता है, वही लोग ज़्यादा तकलीफ़ है सहते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं। बाकी कोई परेशानी, तेरे को तो कोई परेशानी नहीं भाई, तू खा लेगा, अधीन में चला जाएगा, बेमौत मर जाएगा, तेरे को कोई परेशानी नहीं। बाकी जिनको होना है तो होता है, उनका किस्मत भाई, हम क्या कर सकते हैं। भाई आज का वीडियो करते हैं एंड। कोई फ़ायदा नहीं है सब बोल के, क्योंकि हमारे देश में ना 70% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई नशा तो करते ही है, लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं, देखो हम कोई बड़े, इतने बड़े आदमी है नहीं, इतने बड़े लोग है नहीं हमारे देश में, 80% लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अपने मर्जी के ना खा सकते हैं, मर्जी के ना जी सकते हैं। नहीं भाई, एडजस्टमेंट लाइफ जीते हैं, जो मिला खा लिया, जो मिला जैसे मिला रह लिया। तो ऐसे में हमारा शरीर कितना दिन साथ देगा बोलो? ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 साल बस, तब तक कम से कम बिना बीमारी के स्वस्थ जीवन जी लो। बाकी कुछ, अरे स्वस्थ है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य सही है तो मतलब बहुत बड़ा संपत्ति है आपके पास, कहा जाता है ऐसा। तो गरीबी में ही सही, कम से कम स्वस्थ तो रहो, बीमार तो मत पड़ो। बाकी क्या बोले, आपका मर्जी भाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। और क्या बोलूँ, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना यार, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, अपना काम है बोलना, अपना मुझे लगा बोलना चाहिए, थोड़ा बोल दिया, बाकी आपका मर्जी। रखता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।